कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर वन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, दिया था सिक्स, सेवन, ठीक एट, एट में ना अंडर अ फोर्स ऑफ, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये फोर्स वेक्टर गिवन है, पूरे का पूरा फोर्स वेक्टर गिवन है, बॉडी जिसका मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन, देखो ये कौन सी पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो ये आर ए वेक्टर है, ये आर ए वेक्टर है, टू पोजीशन वेक्टर, ये आर बी वेक्टर है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर में से आर ए वेक्टर माइनस करके क्या आएगा, एस वेक्टर आएगा, फिर आपको इसमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होगा, इसमें एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, आंसर आएगा, तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, ठीक, तो सेम ही क्वेश्चन है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर और फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एफ डॉट एस, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन में करेक्शन है, नाइन्थ में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिवन है, ये आपको नाइन्थ में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिवन है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर गिवन है, तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे, तो बी वेक्टर से बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ऐसे ही राइट साइड में आई वाली टर्म को आई में, जे वाली टर्म को जे में, के वाली टर्म को के में, तो वहां से क्या आएगा आपके पास, वहां से सॉल्व करके आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके बी वेक्टर आ गया, तो बी वेक्टर भी आ गया, तो ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, तो ए वेक्टर आ गया उसका मैग्नीट्यूड आ गया, बी वेक्टर आ गया उसका मैग्नीट्यूड आ गया, और उसका स्केलर प्रोडक्ट भी निकालना है, तो ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना, आंसर आ जाएगा, पॉइंट क्लियर है यहां तक, कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ में फोर्स वेक्टर गिवन है और ये फोर्स वेक्टर डिस्प्लेस कर रही है बॉडी को एस वेक्टर इन 3 सेकंड, फाइंड पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, एफ वेक्टर गिवन है, एस वेक्टर गिवन है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, तो न्यूमिनेटर में एफ वेक्टर एस वेक्टर पुट कर लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, ऊपर कोई नंबर आएगा न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाय टाइम कर लेना आंसर, तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, ठीक है, तो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क डन आएगा, वर्क डन को टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर आ जाएगी, राइट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये आंसर किसी का भी तो आंसर आया नहीं, किसी का, मेरे को तो नहीं, ये सही आंसर क्वेश्चन सही नहीं है, इसमें चेक करने के दो तरीके हैं वेदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, पहला तरीका आप ना ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो ए का मैग्नीट्यूड आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, ऐसी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, निकाल लिया, तो सी वेक्टर का, बी वेक्टर का और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आया, तो जैसे मान लो एक नंबर आया 5, 1, 4 और 1, 3, पाइथागोरस थ्योरी है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 90° एंगल बना होगा, इसके अंदर जब आप ए बी सी निकालेंगे तो ऐसा कोई पेयर नहीं बन रहा कि पाइथागोरस में एक हाइपोटेन्यूज बने, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें फॉलो हो, नहीं बन रहा, मैंने चेक किया है तो नहीं बनेगा, ये पहला तरीका चेक करने का कि 90° बनेगा या नहीं बनेगा, ये पॉइंट क्लियर है, नहीं बनेगा इसमें, इसको ये लिखना नहीं चाहिए शो दैट, इसको लिखना चाहिए कि बताओ, चेक करो वेदर ये परपेंडिकुलर है या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरा तरीका चेक करने का, आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले लें, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में 3 + 3 + 5, फिर आप ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ले लें, इसका आंसर भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, तो नहीं आएगा। फिर आप इन दोनों का ले लें, फिर आप इन दोनों का तो ले ही चुके हैं, फिर आप इन दोनों का ले लें, मतलब आप आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखें, किसी का भी जीरो आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहां पर 90° एंगल बनेगा ही नहीं।
तो प्लीज यहां पर ये गलत क्वेश्चन है, शो नहीं है यहां पर, ये 90 डिग्री बन ही नहीं रहा, इसमें बात ही खत्म है। क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर ना ये एंगल 6 नहीं है, एंगल थीटा है, थीटा विद एक्स एक्सिस। तो वो कह रहा है एक वेक्टर इनका रिजल्टेंट है, तो एक वेक्टर बन गया आर वेक्टर, यानी कि 8 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप। तो एक बन गया आपके पास क्या, आर वेक्टर, और दूसरा क्या बन गया विद एक्स एक्सिस, का मतलब सिर्फ आई कैप, एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर इनटू पी, निकाल लेना आंसर आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कौन कौन से दो वेक्टर यूज करने हैं इसमें, आपको आर वेक्टर और पी वेक्टर कौन से यूज करने हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट, हाँ 14 में डाउट बनता है। कितनों का हो गया 14 डाउट, चलो बताओ कितनों का हो गया, कैसे किया, बोलो क्या लिखूं, बोलो इक्वेशन, चेक करना है अभी कर लो। हाँ कितनों का हो गया, अब तो कह रहे हो डाउट नहीं है, करना जरा 14 क्वेश्चन पर करना प्रूफ। देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो मुझे बताओ कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, ए वेक्टर रिजल्टेंट है बी वेक्टर और सी वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बोलो क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी सब्ट्रैक्शन है इनटू कॉस थीटा। कितने लोगों ने यहां से स्टार्ट किया, गलत किया, आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें थीटा का मतलब एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, लेकिन हमें क्या गिवन है, एंगल क्या निकालना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यहां से स्टार्ट करना गलत है। तो आपको क्या करना है, सी वेक्टर को इस तरफ लेके जाना है और ए वेक्टर को इस तरफ, अब बी और ए को एक तरफ रखो। अब ए वेक्टर बी वेक्टर में अगर एंगल थीटा है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सी इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करके आपके पास ये टर्म आ जाएगी, यहां से आपके पास 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए बी, तो थीटा क्या आएगा कॉस इनवर्स, जो भी टर्म है प्रूव हो जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कैसे आंसर आएगा, क्योंकि एंगल ए वेक्टर बी वेक्टर में निकालना है तो ए वेक्टर बी वेक्टर को राइट साइड पे लिखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन क्लियर है, 15 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 15 में फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सी वेक्टर रिजल्टेंट है और c a प्लस b के इक्वल भी है। देखो अगर मैं सिर्फ ये आपको ये इक्वेशन से पूछूं कि c का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस ऑफ थीटा, राइट, पर वो कह रहा है c का मैग्नीट्यूड a प्लस b के इक्वल है, तो यहां पे पुट कर देंगे a प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कर लोगे सॉल्व, यस सर, ठीक है, तो यहां से स्क्वेयरिंग करके cos थीटा निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ओके सर, ठीक है, तो ये शीट क्लियर है।